नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र के कॉलेज के बाहर मारे जाने के बाद उसके पिता सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। साउथ कैंपस में आर्यभट्ट कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र 19 वर्षीय निखिल चौहान की रविवार को कथित तौर पर साथी छात्रों ने झगड़े के बाद चाकू मारकर हत्या कर दी। कॉलेज गेट के बाहर निखिल पर हमला किया गया, जिसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कहा है कि माना जा रहा है कि निखिल जिस लड़की को डेट कर रहा था उसके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया था। निखिल के पिता संजय चौहान आज सुबह मीडिया से इस दर्दनाक घटना के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। इससे पहले उन्होंने साझा किया था कि रविवार को दोपहर के करीब उन्हें फोन आया कि उनके बेटे को छुरा घोंपा गया है। उन्होंने कहा, अस्पताल पहुंचने के बाद हमने पाया कि हमारा बेटा मर चुका था। उन्होंने कहा कि निखिल जल्द ही मॉडलिंग के लिए मुंबई की यात्रा करने वाला था। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार संजय चौहान ने कहा, निखिल को मॉडलिंग करने के लिए मुंबई से कॉल आया था, लेकिन उसके परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए मैंने उसे पहले परीक्षा में बैठने के लिए कहा था। निखिल की पहले सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हो गई थी और वह अपने दूसरे सेमेस्टर में था। मैं उसे भेजने की तैयारी कर रहा था मुंबई के लिए बहुत जल्द, लेकिन अब वह सब खत्म हो गया है। पुलिस का दावा है कि CCTV फुटेज ने निखिल के हत्यारों की पहचान कर ली गई है। संजय चौहान ने कहा, मैं आरोपियों को नहीं जानता। पुलिस ने कहा कि एक आरोपी पकड़ा गया था, 10 से 15 लड़के निखिल को मारने आए थे, कुछ बाइक पर आए थे और कुछ मेट्रो से आए थे। निखिल को दिल के पास चाकू मारा गया और ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। चौहान ने कहा कि निखिल को अस्पताल ले जाने वाले उसके कुछ दोस्त को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। निखिल की मां सोनिया चौहान ने कहा कि उनके बेटे को मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था। उसके दो गाने YouTube पर रिलीज हुए थे और वो अन्य गानों में अभिनय करने जा रहा था।